इनका खेती बाड़ी चलता है और नतीजा यह होता है। और आज के दिन में पर्यावरण परिवर्तन जिस तरीके से बदल रहा है, आज देख लीजिए, हम लोग दिसंबर के महीना में चल रहे हैं, लेकिन आज भी इस पंडाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैठे हैं जो स्वेटर भी नहीं पहन पाया अभी तक, और जो पहना भी है तो हाफ स्वेटर पहन के घूम रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दिसंबर आते आते लोग ठिठुरने लगते थे, घर से निकलने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था। लेकिन मौसम कैसा बदल रहा है ये आप देख रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़, जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ का नतीजा यही होता है। और इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को जितना मजबूती से पता है, हमको नहीं लगता है देश में किसी लोगों को पता होगा, किसी राज्य के लोगों को मालूम हो, क्योंकि झारखंड का तो यही पहचान है, जल जंगल जमीन। लेकिन विकास के पैमाने भी आज इस तरीके से गढ़ी जा रही है जिसमें पर्यावरण के छाती पर हम लोग इतनी अत्याचार पे लगे हैं कि उसका परिणाम सबसे पहले हमारे किसानों को भोगना पड़ रहा है। और किसानों के दुश्मन भी इस देश में आके अपना षड्यंत्र रचने में लगे। आप लोग को मालूम है कि इस देश में किसानों ने एक साल तक पूरा दिल्ली सरकार को घेर करके दिल्ली के अंदर बंद कर दिया था। किसान विरोधी काला कानून के वजह से, और इस आंदोलन में हजारों किसान दिल्ली के चौक चौराहे में सर्दी गर्मी बरसात में रहते रहते उनकी जानें भी चली गई। लेकिन किसानों ने आंदोलन नहीं छोड़ा और पूरा दिल्ली सरकार को घेर के रखा। अगर वो कानून लागू हो जाता, इस देश का एक भी किसान दिखाई नहीं मिलता। कुछ षड्यंत्रकारी लोग इस देश के अन्नदाता को ही मार देना चाहते हैं, जो देश के लोगों का पेट भरता है उन्हीं को खत्म कर देना चाहते हैं। बड़े सुनियोजित तरीके से वन अधिकार कानून बदल दिया जाता है और जंगल में रहने वाले लोगों को बेदखल करने की कार्य योजना बनती है। इन सब चीजों के लिए आपको भी सजग रहना होगा। अगर आप ध्यान नहीं दिए, आप जागरूक नहीं बने, तो आपके लिए भी ऐसे कानून काला बन जाएगा कि आप जीवन भर रोते रहेंगे, आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं आएगा। हमने पहले बोला, इंसान को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, रोजगार तो बाद में आता है, किसी तरीके से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, नहीं तो भीख मांग के खाएगा। लेकिन रोटी कपड़ा तो हर को चाहिए। हमने आपको राशन कार्ड के बारे में बताया, कैसे डबल इंजन की सरकारों ने काम किया था, हमारे विपक्षों ने काम किया था। मकान को लेकर के भी आपको मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे चिन्हित गरीब परिवार जिनको आवास मिल रहा था, उसके लिए पूरा सरकार दिल्ली सरकार में अपना नाक रगड़ते रह गई, हाथ फैलाते रह गई, लेकिन हमें गरीबों की आवास सैंक्शन नहीं हुए। अंतोगत्वा यहां की गरीबी के आलम देखते हुए हमने भी ये निर्णय लिया कि झारखंड किसी से कम नहीं, और अब हम अपनी योजना चलाएंगे और अबुआ आवास योजना चला करके भारत सरकार से भी बढ़िया आवास बना करके आपको देंगे।